ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। स्कूली तालीम में ड्रॉप आउट मुल्क का बड़ा मसला है। जानिब गुर्बत को ड्रॉप आउट की बड़ी वजह बताया जाता है, वहीं ड्रॉप आउट की एक बड़ी वजह बच्चों का तालीम में कमज़ोर होना भी है। बच्चों की तालीमी कमज़ोरी को दूर करने के लिए मुख्तलिफ अकसाम के तजुर्बे भी हो रहे हैं। हम आपको एक ऐसी ही कोशिश से रूबरू करवाते हैं। तालीमी कमज़ोरी की वजह से ड्रॉप आउट को रोकने के लिए शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन और ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट की जानिब से सेंटर शुरू किए जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को एकेडमिक ICU का नाम दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत कमज़ोर और स्कूली तालीम छोड़ चुके तलबा को तालीम दी जाएगी। एक उस्ताद 6 तलबा को पढ़ाएगा। बुनियादी तौर पर रियाजी यानी मैथ्स और लैंग्वेजेस की तालीम दी जाएगी। प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों का कहना है कि अक्सर बच्चे तालीम की कमज़ोरी की वजह से ही ड्रॉप आउट का शिकार होते हैं। अगर ये कमज़ोरी दूर कर दी जाए तो वो तालीम में आगे बढ़ सकते हैं। ये साबित हुआ है तहकीक से, रिसर्च से, कि ज़्यादातर जो लोग ड्रॉप आउट होते हैं वो क्लास में कोप अप नहीं कर पाते हैं। तो दो चीज़ें निकली है उस रिसर्च से जो शाहीन ग्रुप ने भी किया है उसमें, कि वो कमज़ोर होते हैं मैथमेटिक्स और लैंग्वेज में। तो यहाँ से शुरुआत हुई है, अगर हम उनको मैथ्स और लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश इसमें उनको स्ट्रेंथन करें, ये फिर टेस्ट से साबित हो, वो आगे जाकर इन्होंने ये साबित किया है वहाँ क्लास में सबसे आगे आते हैं। मुल्क भर की तरह दिल्ली में भी स्कूली बच्चों का ड्रॉप आउट बड़ा मसला है। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल 8,500 बच्चों का ड्रॉप आउट हुआ था, जबकि मुस्लिम कम्युनिटी में ड्रॉप आउट और भी ज़्यादा है। देखिए, बच्चा ड्रॉप आउट होता है उसकी अपनी तालीमी कमज़ोरी की वजह से, मेनली बड़ा रीज़न यही होता है। और उसमें भी मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस को हम तरजीह देते हैं। बच्चा क्लास में बैठा हुआ है, मिसाल के तौर पर 8th स्टैंडर्ड की क्लास में बैठा हुआ है और उसकी बुनियादें कमज़ोर हैं, उसकी मदर टंग की या इंग्लिश की या रियाजी की बुनियादें कमज़ोर हैं और टीचर सिलेबस कंप्लीशन के नाम पे कुछ पढ़ा रहे हैं। सोशल स्टडीज़ की जो है क्लास हो रही है, साइंस की क्लास हो रही है, फितरत को, नेचर को, कुदरत को समझाया जा रहा है और वो बच्चा जो है लिखने पढ़ने से खासिर है, मैथमेटिक्स में भी कमज़ोर है और लैंग्वेज में कमज़ोर है, तो वो दिलचस्पी नहीं लेगा, उसको समझ में नहीं आएगा और वो रफ्तार रफ्तार ड्रॉप आउट हो जाएगा। अब तक के सरकारी रिपोर्ट में गुर्बत, बिजली, पानी, टॉयलेट जैसी सहूलतों की कमी को ही ड्रॉप आउट की वजह करार दिया जाता था, लेकिन पहली मर्तबा तलबा की तालीमी कमज़ोरी को दूर करने की कोशिश देखने में आ रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट।